हाय फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग बनाऊंगा गूगल वॉइस। उस बच्चे से मिलवाएंगे, बहुत ही छोटा बच्चा है वो। क्यों कहे कि गूगल वॉइस है तो गलत नहीं होगा। तो चल रहे हैं उस बच्चे के पास, देखते हैं मुलाकात हो रही कि नहीं हो रही। सड़क चल रहे हैं, आप देख रहे हैं ये कच्ची रोड है, ये रिंग बांध है। इधर जो है ना, ये सब गंडक के समीप आता है, गंडक के संपर्क में आता है ये सारा गांव। ये बाढ़ इलाका गांव है, जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के टाइम में मैं आप लोगों को इधर घुमाऊंगा, ब्लॉग बनाऊंगा बाढ़ के टाइम में, लगभग जून जुलाई नहीं। हम लोग जिस सड़क से गुजर रहे हैं आप देख रहे हैं, ये कच्ची रोड है और रिंग ये बांध है। लेफ्ट साइड से इधर गंडक पानी आता है, पूरा ये पानी है, पानी ही पानी जैसे। और हम इस ब्लॉग के जरिए बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमारे अरमान भैया है जो ड्राइविंग में एकदम हीरो चैंपियन है। कैसा अनुभव रहा इस सड़क का अरमान बाबू, बताएंगे? अच्छा सड़क नहीं है, कच्ची रोड है। आगे टर्न पॉइंट है, टर्न पॉइंट वहाँ पर Hold me close till I get up. Time is barely on our side. और मंदिर जी बहुत बड़ा। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो हम पहुँच गए हैं, धर्मेंद्र जी के यहाँ पहुँच गए हैं। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए यही एक बच्चा है, देखिए गूगल बॉय। धर्मेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। यही छोटा बच्चा है जो गूगल बॉय के नाम से प्रसिद्ध है हमारे गोपालगंज में, जादवपुर दुखरन दुबे टोला है ना बाबू। देखिए छोटा सा बच्चा है, इतना बढ़िया सवाल जवाब देता है, हम यूट्यूब पर देख के इम्प्रेस हो गए हैं। हमारे ही क्षेत्र का बच्चा, हम लोग नहीं जान पा रहे थे कि हमारे यहाँ इतना अच्छा टैलेंट कुछ का भरा। यहाँ कुछ लोकेशन दिखाएंगे आपको, इस तरह जादवपुर दुकान सुबह टोला हम लोग गांव में आ गए। बाबू आओ यहाँ पे, बाबू से कुछ दो चार को सवाल पूछेंगे, देखते हैं। सवाल बहुत अच्छा बताते हैं बाबू। हाँ तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग धर्मेंद्र जी के यहाँ पहुँच चुके हैं। ये बच्चा गूगल बॉय के नाम से प्रसिद्ध है, आप लोग देख रहे होंगे, गूगल बॉय लड़का है इनका। हमारे धर्मेंद्र जी से मुलाकात हो गई, हम लोग आधे घंटे से घूम रहे थे आपके घर खोजने के लिए। हम लोग उधर चले गए थे, कुछ रॉन्ग साइड में आगे चले गए थे। तो धर्मेंद्र जी, इतना अच्छा भगवान जी ने आपको गिफ्ट किया है बच्चा, कुछ बताइए कैसा आप फीलिंग कर रहे हैं? कुछ जी, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, भगवान का कृपा है कि लड़का पढ़ रहे हैं और हमारी
नाम करेगा हम लोग का भी नाम होगा, हमारे गोपालगंज का बच्चा है तो हम लोग का भी ऐसे नाम है। क्या बनाना चाहेंगे अपने बच्चे को? बहुत तेज और बच्चा होना आ रहा है आप जी। ये सर ये डीएम बनेगा और ये बोलता है कि कलेक्टर बोल रहा था, बोल रहा था वर्ल्ड में नाम करना है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात। वर्ल्ड में नाम करेगा तो अच्छा से पढ़ेगा तो हाँ, नहीं बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है तो पढ़ेगा तो। दोस्तों आपने सुना धर्मेंद्र जी को कि बच्चे का ख्वाहिश है कि डीएम कलेक्टर बने, बहुत ही अच्छा सोच है और बहुत खुशी की बात है हमारे गोपालगंज के लिए, बहुत गर्व की बात है कि भारत के लेवल पर मतलब एक बच्चा है जो। अभी हम लोग कुछ बाबू से सवाल करेंगे, तो चार सवाल पूछेंगे और फटाफट जवाब देते हैं बाबू, उधर में मिलवाते हैं आपसे, थोड़ा सा विलम्ब पॉज कीजिए। देखिए यही बच्चा है, क्या नाम है पिताजी का? क्या नाम है? फटाफट एकदम फ्रेंकली जवाब दे रहे हैं। घर कहाँ है आपका? अच्छा आप क्या करते हैं, किस क्लास पढ़ते हैं बाबू? नहीं पढ़ते हैं अभी। देखिए घर पर रहता है अभी बच्चा, अभी पढ़ाई भी नहीं किए, स्कूल में नहीं गया। देखिए कितना बेहतरीन जवाब, अभी मैं सवाल कुछ पूछूंगा जनरल नॉलेज से, फटाफट जवाब दे रहे हैं बाबू। तो बाबू बताइए प्रथम प्रधानमंत्री कौन है अपने देश? वाह क्या बात, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ मालूम है, वाह वाह वेरी गुड। देखिए आप ही बताइए। अच्छा, अभी अभी बताइए तो पीएम कौन है अभी ने? भारत देश के पीएम कौन है, प्रधानमंत्री? देखिए पूरा फैमिली पूरा नेम बता रहे हैं बाबू। भारत के अभी राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? गुड 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 गुड। अपने बिहार राज्य में कितने जिले हैं बाबू? छोटा बच्चा इतना सारा जवाब सवाल, इतना बढ़िया बेहतरीन आंसर। अभी स्कूल में बाबू नहीं गए हैं फिर भी इतना बढ़िया सवाल, अगर स्कूल भेजा जाए, अगर इनको मनोबल बढ़ाया जाए, आगे की शिक्षा मार्गदर्शन कराया जाए तो ये ऊंचाई से नहीं, ऊंचाई को छूने से कोई इनको नहीं। अब तो आपको पढ़ा कहाँ सा किया था? बस 19 का पढ़ा सुनाइए तो। वाह क्या बात है, देखिए छोटा बच्चा 19 का पढ़ा याद है। क्या होता है ना कि हम लोग एज के लोगों को पढ़ लिख के सब बराबर कर चुके हैं, उनको याद नहीं है, 18 के पढ़ा भुला जाते हैं। छोटा बच्चा देखिए 21 का पढ़ा, मतलब 21 तक कन्फर्म किया। और अभी स्कूल नहीं गए हैं, अभी स्कूल जाएंगे तो पूरा एकदम पूरा बहुत बढ़िया लगे रहिए। और कुछ अपने बारे में बताइए बाबू, पढ़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? वाह क्या बात है, डीएम बनेंगे। डीएम डीएम का मतलब है आपके साथ, या डीएम जरूर बनिएगा, ठीक है, याद रखिएगा हम लोगों को। और आपका वीडियो हमारे ब्लॉग में हमेशा बोलता रहे रखता है। देखिए कुछ लाए धर्मेंद्र जी की तरफ कैमरा कीजिए। धर्मेंद्र जी क्या दिखा रहे? मैं जनरल नॉलेज से बाबू से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ इसमें से। मैं गूगल बॉय। चलिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर हुआ? गुड। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वाह। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? उन्नीस सौ शरीर में कितनी मांसपेशी होती है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? देखिए एकदम फटाफट जवाब दे रहे हैं बाबू, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। चलिए अगले ब्लॉग में हम लोग फिर कहीं नए नेक्स्ट जगह पर जाएंगे और आपको ऐसे ही मोटिवेट वीडियो बना करके आपको ब्लॉग के जरिए अपने नजात ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए बाबू, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमारा चैनल आप लोगों के लिए हमेशा अग्रसर रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।